हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग एंड यू आर वाचिंग वॉच ऑन पॉइंट। आज हम नेटफ्लिक्स की मूवी रेबल मून द चाइल्ड ऑफ फायर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसे डायरेक्ट किया है द वन एंड ओनली जैक स्नाइडर ने, जो कि पहले भी 300, मैन ऑफ स्टील, जस्टिस लीग जैसी बेहतरीन मूवीज बना चुके हैं। तो देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर से, जहाँ पर हमें मदरलैंड नाम के एक आकाशगंगा के बारे में बताया जाता है। मदरलैंड पर हजार शाही पीढ़ियों ने बिना रुकावट शासन किया था, मगर सत्ता की भूख ने पूरे के पूरे ग्रह को तबाह कर दिया। आगे शाही फौज अंतरिक्ष में जाकर पूरे आकाशगंगा में अलग अलग ग्रहों से रिसोर्सेस लेने लग गए, और जो कोई भी उनके खिलाफ खड़ा हुआ उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन एक दिन बादशाह और बेगम को मरवा दिया गया और सब तरफ क्रांति फैलने लगी। लेकिन मदरलैंड के एक मंत्री बेलसीरियस ने कमान उठा ली और सब तरफ अपने जल्लाद सिपाहियों को भेज दिया और खुद को नया संरक्षक घोषित कर दिया। और अब जहां कहीं भी क्रांति की गूंज उठती है, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। इस इंट्रोडक्शन के बाद हमें स्मॉल मून नाम के एक ग्रह का दृश्य दिखाया जाता है, जहां एक लड़की जिसका नाम कोरा होता है, वो अपने खेत में हल चला रही होती है। तभी वहां पर एक और आदमी आता है जिसका नाम गुनार होता है। वो कोरा को पार्टी में चलने के लिए कहता है, जिसके बाद पार्टी के सीन को दिखाया जाता है। आगे वहां का मुखिया बोलता है कि हम लोग किसान हैं और इस बंजर जमीन को भी हमने अपने मेहनत से उपजाऊ बना दिया है, और आज हम आगे और मेहनत करने का प्रण करते हैं। जिसके बाद सभी लोग नाचते गाते हैं, और रात में कोरा के पिता उससे कहते हैं कि अब तुम्हें भी घर बसा लेना चाहिए। कोरा कहती है कि वो किसी के प्यार के लायक नहीं है, वो जंग की संतान है। दरअसल कोरा जख्मी हालत में इस आदमी को मिली थी, जिसके बाद कोरा ने इसी जगह को अपना घर बना लिया। तो आखिर कोरा है कौन और वो जख्मी कैसे हुई थी, ये सब कुछ वीडियो में हम आगे जानेंगे। अगले दिन कोरा और उसकी दोस्त सैम खेत में बुआई कर रही होती है, तभी आकाश में एक वॉरशिप दिखाई देती है। कोरा दौड़कर जाती है, विलेज के बेल को बजाने लगती है, जिसके बाद सभी गांव वाले तुरंत एक मीटिंग करते हैं, जहां पर सभी कहते हैं ये किसी भी हालत में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी जमीन उपजाऊ है। गुनार ने पिछली फसल बागियों को बेची थी, जिसके अच्छे दाम मिले थे, इसीलिए वो कहता है कि हमें इनसे भी सौदा करने की कोशिश करनी चाहिए। कोरा कहती है कि वो लोग हमसे दोस्ती करने नहीं आए हैं, उन लोगों का मकसद है कब्जा करना, गुलाम बनाना और बर्बादी फैलाना। जिसके बाद मुखिया कहता है कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते, और सभी लोग भी यही फैसला करते हैं। वॉरशिप नीचे लैंड होती है, उसमें से अपने सैनिकों के साथ निकलता है एडमिरल एटिकस नोबल, जो नीचे उतरते ही मुखिया को गले लगाता है और कुछ बातचीत के बाद एक प्रस्ताव रखता है, जहां पर वो अपनी फौज के लिए अनाज की मांग करता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मगर मुखिया इन सब के मनसूबों को जानता है, इसीलिए मना कर देता है। मुखिया कहता है बहुत मुश्किल से हम अपने गुजारे के इतना ही अनाज उगा पा रहे हैं। जिस पर नोबल बोलता है तुम्हारे खेत तो बहुत हरे भरे हैं, जिन्हें देखकर तो ये लगता ही नहीं कि तुम्हारी खेती अच्छी नहीं होती होगी। तभी गुनार बीच में बोल पड़ता है। गुनार सोचता है कि जैसे पहले बागियों को अनाज बेचकर पैसे कमाए थे, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। गुनार कहता है कि अभी कुछ सालों से फसल अच्छी हो रही है, तो हम थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। जिस पर नोबल बहुत गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि जानबूझकर ये किसान मदरलैंड की मदद नहीं कर रहे हैं। वो गुस्से में मुखिया और उसकी बीवी को मार डालता है, जिससे कि सभी गांव वाले डर जाते हैं। नोबल बोलता है वो 10 हफ्ते बाद आएगा और अनाज लेकर जाएगा। उसकी मांग इतनी ज्यादा होती है कि गांव वालों के लिए उसे पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जिसके बाद नोबल वहां पर कुछ सैनिकों को छोड़कर वहां से चला जाता है। वो लोग गांव के ही एक घर में अपना डेरा डालने की सोचते हैं। तभी दिखाया जाता है कि उनके पास एक बक्सा होता है और उस बक्से में से निकलता है जिमी। जिमी एक प्रकार का रोबोट है, जिसकी प्रोग्रामिंग बादशाह के लिए लड़ना था, मगर बादशाह की मौत के बाद उसने लड़ना छोड़ दिया था। तभी उनमें से एक सिपाही जिमी को टीन का डब्बा कहता है और बेइज्जती करते हुए उस पर गोलियां चलाने लगता है। मगर जिमी अब लड़ाई नहीं करता, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही कुछ ऐसी होती है, और वो गिर जाता है और उसके मुंह में कीचड़ लग जाता है। जिसके बाद मुंह धोने के लिए जिमी एक छोटे से तालाब के पास जाता है, जहां पर सैम आती है। उसको देखकर जिमी कहता है, सैम तुम्हें देखकर बादशाह की बेटी ईसा की याद आ गई। वो एक अवतार थी, भविष्यवाणी थी कि जंग को हटाकर वो दया की मूर्ति बनेगी और जंग को खत्म करेगी। कहते हैं कि उनमें जादू था, मगर बादशाह बेगम और उनकी बच्ची का कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाले उनके करीबी ही थे। उनके जाने के बाद हमारा गुरूर टूट गया और हमने लड़ना छोड़ दिया। जिसके बाद सैम एक फूलों का ताज जिमी के सर पर रखती है और प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरती है, जिससे कि जिमी को कुछ फील होता है। आगे गांव वाले आपस में फैसला करते हैं, वो बहुत मेहनत करेंगे और खेती करके अनाज उगाएंगे, क्योंकि वो किसान है और उनको यही आता है। कोरा ये सब सुनकर नाराज हो जाती है और जाने लगती है,
पिता के रोकने पर वो कहती है कि वो लोग सब कुछ बर्बाद कर देंगे। मगर दूसरी तरफ सैम सिपाहियों को पानी पिलाने जाती है तो वो लोग उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जिस पर कोरा से रहा नहीं जाता है। वो सबको बहुत मारती है। यहाँ बहुत ही अच्छी फाइट को दिखाया गया है, जिसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है कि एक सिपाही सैम को मारने ही वाला होता है, मगर जिमी आकर उसको शूट कर देता है, क्योंकि सैम की वजह से ही उसमें कुछ बदलाव हुए थे। जिसके बाद अगली सुबह कोरा जाबाजों को ढूंढने के लिए निकलने वाली होती है, क्योंकि अब उनको मदरलैंड के सिपाहियों से लड़ना ही होगा। कोरा के पिता कोरा को उसकी गन देते हैं, जो कि कोरा के पास थी जब वो जख्मी हालत में उसे मिली थी। गुनार भी उसके साथ जाता है, क्योंकि वही बागियों का पता भी जानता है। आगे चलते हुए शाम हो जाती है। कोरा वहां पर गुनार को अपना पास्ट बताती है। जब वो 9 साल की थी तब शाही फौज ने उसके ग्रह को नष्ट कर दिया था, मगर छोटी होते हुए भी कोरा किसी से डरी नहीं, जिससे प्रभावित होकर शाही फौज के कमांडर बेलासीरियस ने उसको गोद ले लिया और उसका नाम रखा आर्थेलियस, जो कि बड़ी होकर शाही फौज के एक टुकड़ी की सबसे कम उम्र की कमांडर बनी। उसको बेलासीरियस ने अपने साथ रखकर जंग की पूरी ट्रेनिंग दी थी। उसको किसी से प्यार भी हुआ था, मगर जंग में वो उसके सामने ही मारा गया था। मदरवर्ल्ड के झंडे तले उसने कई जंग जीते, जिन्होंने उसके पूरे ग्रह को तबाह किया। वो उनके लिए ही लड़ती रही, अपना सब कुछ गंवा कर। इसीलिए कोरा उनके इरादों को बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी। अगली सुबह वो लोग दूसरे जगह वेल्डेड पहुंचते हैं, जहां पर गुनार का प्लान होता है कि वो एक आदमी से मिलेगा जो कि उन लोगों को ब्लड एक्स तक पहुंचाएगा, जो कि एक बागी है और मदरवर्ल्ड के लिए लड़ता है। मगर उसी समय उस आदमी को मदरवर्ल्ड के बाउंटी हंटर्स पहले से ही पकड़ के ले जा रहे होते हैं, जिससे कोरा कहती है कि अब उनको जनरल टाइटस को ढूंढना होगा, क्योंकि जनरल टाइटस ही वो बंदा था जो कि पहले मदरवर्ल्ड के लिए लड़ता था, मगर बाद में उसने बगावत की और मदरवर्ल्ड के खिलाफ अपने सैनिकों को लड़ने के लिए कहा। वहां पर कोरा के पूछने पर पता चलता है कि वो अभी पॉलक्स में है। तभी वहां पर एक ठरकी आता है और गुनार के साथ रात गुजारने की बात करता है। कोरा कहती है ये तुम्हारे टाइप का नहीं है और उसको जाने को बोलती है, मगर वो ठरकी जाता नहीं है और दोनों के बीच फाइट हो जाती है, जहां पर कोरा उन सबको बहुत धोती है। मगर एक वक्त वो ठरकी कोरा को पीछे से उड़ाने ही वाला होता है, उससे पहले ही काय नाम का एक आदमी उसको पीछे से शूट कर देता है। काय कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुनी और मैं तुम्हें पॉलक्स पहुंचा सकता हूं, मेरे पास जहाज है। कोरा बोलती है मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। काय कहता है कि जो भी तुम्हें सही लगे वो दे देना। जिसके बाद ये लोग पॉलक्स के लिए निकल पड़ते हैं। आगे कोरा बताती है कि वो मदरलैंड के खिलाफ लड़ने के लिए जाबाजों को ढूंढ रही है, जिस पर काय उनको पॉलक्स जाने से पहले एक आदमी के पास ले जाता है जो कि उनके बहुत काम आ सकता है। उस आदमी के पास तारक नाम का एक शख्स गिरवी होता है, जिसने पहले भी मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कोरा तारक से पूछती है कि क्या तुम हमारा साथ दे सकते हो, जिस पर तारक कहता है मैं चाहता तो हूँ, मगर मुझ पर बहुत ज्यादा कर्ज है। जिस पर कोरा उसके मालिक से पूछती है कि मुझे कितने पैसे चुकाने होंगे तारक को आजाद करने के लिए। उसका मालिक इतने पैसे बोलता है जितना इनके पास होता ही नहीं है, मगर वो कहता है मैं एक शर्त लगाना चाहता हूँ, अगर तारक ने मेरे इस परिंदे को काबू करके सवारी कर ली तो मैं तारक को आजाद कर दूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो मैं तुम सबको भी ऐसी ही बेड़िया पहनाकर अपने पास रख लूंगा। कोरा कहती है कि मुझे मंजूर है। जिसके बाद परिंदे को काबू करके तारक उड़ान भर लेता है, जो कि इतना आसान नहीं था। जिसके बाद तारक आजाद हो जाता है। कोरा काय से कहती है कि ऐसे ही और लोगों को जानते हो क्या। जिसके बाद काय कोरा को माइनिंग प्लैनेट डैगस ले जाता है, जहां पर नेमेसिस नाम की एक योद्धा होती है। वो उससे मिलता है और उससे कहता है वो लोग मदरवर्ल्ड से लड़ने के लिए जाबाजों को ढूंढ रहे हैं और उस प्लैनेट में उनसी बड़ी योद्धा तो कोई है ही नहीं। जिसके बाद नेमेसिस एक बच्चे को एक मकड़ी लेडी से बचाती है, जहां हम सबको पता चलता है कि नेमेसिस एक बहुत ही बड़ी तलवारबाज है और सच में उसके जैसा कोई नहीं है। जिसके बाद अब सब लोग जनरल टाइटस को ढूंढने पॉलक्स जाने लगते हैं, जहां पर कोरा अपने पास्ट की आगे की कहानी गुनार को बताती है। वो कहती है कि उसकी वफादारी और बहादुरी की बातें जब बादशाह तक पहुंची तो उन्होंने कोरा को शहजादी ईसा का अंगरक्षक बना दिया, जहां पर कोरा ने खुद शहजादी की दया और करुणा देखी, साथ ही उसकी दैवीय शक्ति जिससे कि वो किसी के प्राण वापस ला सकती थी। वो उसको बहुत मानती थी और बादशाह भी कहते थे कि आने वाले वक्त में ईसा उस सल्तनत की स्थापना करेगी जिसको कभी भी बादशाह नहीं कर पाए। सब तरफ सुख और शांति ही शांति होगी। मगर तब कोरा बेलासीरियस के मनसूबे नहीं जानती थी। उसने आगे शहजादी को खो दिया और पूरा ग्रह तबाह हो गया। वो बहुत ही भावुक हो जाती है। आगे वो लोग अब पॉलक्स पहुंच जाते हैं। वहां पर जनरल टाइटस बहुत ही बुरे हालत में होता है। वो नशे में धुत होता है, क्योंकि उसने जंग में अपने सिपाहियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। उसी गम में वो इतना टूट गया था। कोरा उसे पहले नहलवाती है,
जिसके बाद वो उसे अपनी लड़ाई में साथ देने के लिए कहती है। मगर टाइटस कहता है कि मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो। कोरा समझाते हुए कहती है कि अपने सिपाहियों की जान के बदले तुम्हें मदरवर्ल्ड से लड़ना होगा, बदला लेना होगा, उनकी जानें जाया नहीं जानी चाहिए। जिसके बाद नोबल को दिखाया जाता है जो कि बागियों को ढूंढ रहा है, जिसका पता उस आदमी को होता है जिसको वेल्डेट में बाउंटी हंटर्स ने पकड़ा था। वो बताता है कि ब्लड एक्स और उसकी बहन देवरा दोनों बागी लेविटिका नाम के राजा की शरण में है। इधर कोरा भी लेविटिका के पास जाती है, जिसके बाद उसकी मुलाकात देवरा एक्स और ब्लड एक्स से होती है। देवरा बोलती है कि हम अभी इतने मजबूत नहीं हैं कि मदरलैंड की वॉरशिप का मुकाबला कर पाए, इसीलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। मगर ब्लड एक्स मान जाता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि उन दोनों का दुश्मन तो एक ही है, बस कोरा को उनका साथ चाहिए। जिसके बाद वो सभी लोग वहां से निकल पड़ते हैं। देवरा भी अपने गुप्त ठिकाने में वापस चली जाती है। दूसरी तरफ एडमिरल नोबल लेविटिका के पास जाता है और बागियों का साथ देने के लिए बड़ी बेरहमी से उसको मार डालता है और उसके ग्रह को भी तबाह कर देता है। आगे दिखाया जाता है कि काय सबको लेकर एक गुप्त जगह जाता है, जहां पर ब्लड एक्स अपने सिपाहियों को नजर रखने को बोलता है। काय वहां पर एक सामान की डिलीवरी देना चाहता है। वहां पर बाउंटी हंटर्स भी होते हैं। कोरा उन्हें देखकर डाउट करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर हमला होने लगता है। वहां पर वॉरशिप पहुंच चुकी होती है। ब्लड एक्स के सिपाहियों को मार दिया जाता है। कोरा और बाकी योद्धा कुछ कर पाते इससे पहले ही उनके ही लाए सामान से मशीनें निकलकर सबको कैद कर लेती है। दरअसल ये सब कुछ काय का प्लान था। वो इन सबको यहाँ पर लाकर एक साथ नोबल को सौंपना चाहता था, क्योंकि इन सभी के बदले उसको अच्छी रकम मिलने वाली थी। वो गद्दार निकला। जिसके बाद वहां पर एडमिरल नोबल आता है। वो सबको एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि जिनको भी वो ढूंढ रहा था वो सभी लोग उसको वहां पर एक साथ मिल गए, क्योंकि ये सभी लोग मदरवर्ल्ड के लिए वांटेड थे। आगे काय गुनार के हाथ में बंदूक देकर कहता है कि कोरा को तुम्हें ही मारना होगा। गुनार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अब कोरा से प्यार करने लगा था। सब सोचते हैं कि गुनार बस एक किसान है, इसीलिए डरपोक भी है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता है। गुनार कोरा पर गोली नहीं चलाता, बल्कि काय को मार डालता है। कोरा को वो आजाद कर देता है। उसके बाद वहां पर जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। गुनार एक एक करके सभी को छुड़ा देता है, जिसके बाद बस एक्शन ही एक्शन होता है। नेमेसिस अपने तलवार से दुश्मन की छाती चीर देती है। ब्लड एक्स, टाइटस, तारिक सब मिलकर जबरदस्त फाइट कर रहे होते हैं। मगर तभी ब्लड एक्स देखता है उसके पायलट्स के ऊपर वॉरशिप के टैंक से हमला हो रहा है, लोग मर रहे हैं। ब्लड एक्स दौड़कर टैंक के पास जाता है और पायलट की छाती में भाला घुसा देता है, जिसके बाद पूरा शिप पुल तोड़कर नीचे चला जाता है और ब्लड एक्स की भी गोली लगने से वहां पे मौत हो जाती है। अब एडमिरल और कोरा के बीच में फाइट होने लगती है। फाइट जबरदस्त होती है, जिसमें कोरा एडमिरल के हाथ पांव तोड़कर उसके जबड़े हिलाकर उससे नीचे गिरा देती है। जिसके बाद सब मिलकर गुनार का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि ये जंग की शुरुआत है, असली जंग तो अभी बाकी है। जिसके बाद सभी लोग स्मॉल मून वापस आते हैं, जहां कोरा और गुनार का गांव है। ये जगह अब फसल से भर चुकी होती है। सब यहां पहुंचकर बहुत खुश होते हैं। जिमी भी अब यहां का रखवाला बन चुका होता है। आगे दिखाया जाता है कि नोबल अभी मरा नहीं है, बल्कि उसे मदरवर्ल्ड के सैनिकों ने जख्मी हालत में ढूंढ लिया है। वो लोग उसे सीधा बेलसीरियस के पास पोर्ट करते हैं, जहां बेलसीरियस कहता है कि मैं तुम्हारी नाकामी से बहुत नाखुश हूं। तुम्हें सभी बागियों को मारना है और मेरी बेटी, जो कि अब बागियों से मिलकर मेरे खिलाफ लड़ रही है, उसको जिंदा भी पकड़ना है। मैं उसको सबके सामने मारना चाहता हूं, ताकि ये एक मिसाल बने, और अगर तुम ऐसा करने में नाकामयाब रहे तो पहली गर्दन तुम्हारी उड़ेगी। जिसके बाद नोबल वापस टैंक में गिरता है और उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है, यानी कि अब वो ठीक होकर वापस आएगा और स्मॉल मून, जो कि अब रेबल मून बन चुका है, उस पर कहर बरपाएगा। दोस्तों, इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम इसके आगे की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी पहले स्टार वॉर्स यूनिवर्स का ही एक पार्ट होने वाली थी, मगर किसी वजह से डायरेक्टर ऑफ द मूवी जैक स्नाइडर नहीं माने और रेबल मून एक इंडिपेंडेंट मूवी बनी। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट।